अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको असम वीडियो चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरा चैनल असम वीडियो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के निशान के ऊपर क्लिक करें। तो आइए अब देखते हैं कि मेरे चैनल के ऊपर मोनेटाइजेशन के लिए मैंने अप्लाई किया है और अभी तक मेरी मोनेटाइजेशन अप्रूव नहीं हुई। उसकी क्या रीज़न है इसके बारे में यूट्यूब ही बेहतर बता सकता है। मैंने कई बार यूट्यूब से रابطہ करने की कोशिश की है और उनको ईमेल भी किया है, लेकिन इसके बारे में अभी तक किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। तो ये मैं अगर अपने चैनल के ऊपर आपको ये दिखाऊं कि मुझे एक कॉपीराइट स्ट्राइक भी आई हुई है, शायद कि इसी वजह से मेरा चैनल अभी तक अप्रूव नहीं हुआ। यहाँ पे मोनेटाइजेशन नॉट इनेबल्ड लिखा हुआ आ रहा है, शायद कि ये कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से अभी तक मेरा चैनल अप्रूव ना हुआ हो। ओ लेकिन बाकी मेरे ये तीन ऑप्शन आप ये देख रहे हैं कि मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ आ रहा है कि चैनल अंडर रिव्यू में अगर आप जाएँ तो यहाँ पे पहले YouTube में ये होता था कि यहाँ पर ये वीक तक लिखा हुआ आता था। अभी मज़ीद उन्होंने कुछ इसमें एडिशन किया है इसमें, और YouTube ने ये बताया है कि ये जो मोनेटाइजेशन के बारे में उन्होंने बताया है कि ये जो देर हो रही है उसकी वजह कुछ और नहीं है, बस ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। आप सब्र और हौसला रखें। और उन्होंने यही कहा है कि सब्र और हौसला रखें। तो अब देखते हैं कि चैनल अप्रूव होता है या नहीं होता है, ये अब यूट्यूब के ऊपर है। मेरी कम से कम भी मेरे 600 के करीब सब्सक्राइबर हो चुके हैं और मेरे व्यूज़, टोटल व्यूज़ मेरे अभी तक 1,04,000 व्यूज़ हो चुके हैं अभी तक। मैं ये आपको दिखाता हूँ कि मेरे व्यूज़ अभी तक कितने हुए हैं। ये देखें, ये 1,04,000 के करीब, इससे भी ज़्यादा मेरे व्यूज़ हो चुके हैं, लेकिन मेरा चैनल अभी तक अप्रूव नहीं हुआ। तो इस बारे में अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है मोनेटाइजेशन के हवाले से तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट में आप इसके बारे में मुझे मेरी रहनुमाई कर सकते हैं। आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरी रहनुमाई करें और मुझे मोनेटाइजेशन के बारे में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।